हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्याम भाटिया और आप सबका वेलकम करता हूं ई एकेडमी 123 पर। चलिए आज हम फिर एक बेहतरीन क्वेश्चन लेकर रोजाना की तरह मैं आपके साथ हूं कि ये एक्चुअल में जेई में पूछा गया क्वेश्चन है ना। जेई मेन ऑनलाइन पेपर में पूछा गया था कि आपके पास एक सर्किट दिया गया है और इसमें आर की वैल्यू पूछी गई है, तो यहाँ पर एक सेल दिया गया है ना, सेल और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 20 ओम और सेल का ईएमएफ आपको यहाँ पर 10 वोल्ट दिया गया है, साथ ही साथ उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर दिया गया और ये फिनोमिना दिया गया है ना। अब इसके बाद उन्होंने बोल दिया कि अक्रॉस है ना 30 ओम रेजिस्टेंस वाट एवर है ना, 20 ओम रेजिस्टेंस इज जीरो, इसके अक्रॉस जो आपको वोल्टेज मिल रहा है वो जीरो है, तो आपको आर की वैल्यू बतानी है ना, आर की वैल्यू बतानी है। अल्टीमेटली ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो जेई में पूछा गया है, तो अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तब के लिए ये पी वाई क्यू है इसे आपके लिए है ना। बट ये वो क्वेश्चन है जो ऑप्शन वाला नहीं है, उसमें फील करने वाला है ना, 10 12 15 20 वो वैल्यू, बट मैंने तो ऑप्शन दे दिया आपको यहाँ पे है ना, ये ऑप्शन वहाँ पर फील करने वाला है। तो आप अगर पी वाई क्यू लगाते होंगे तो आपको ये क्वेश्चन जरूर मिला होगा है ना, तो इसको अपन डिस्कस करते हैं है ना। तो रोजाना की तरह ये चीज़ें सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन मैं इसके अलावा अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पर देखिए, तो वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी बातें अभी हो रही है जो आपके लिए काम की है ना। क्या क्या बातें हो रही है देखिए, एसी यूसीएल अनअकैडमी चैंपियन लीग जो है फॉर जेई स्टार्ट हो गई है और ये कमबैक किया है आप वापस, ये आज दिसंबर 26 है ना, आज 1 बजे ऑनवर्ड्स हुआ था ठीक है। और इसके लिए इनवाइट कोड आपको कौन सा यूज़ करना है, श्याम भाटिया फिजिक्स कोड यूज़ करना है ठीक है। दूसरी चीज़ आ रही है अनअकैडमी चैंपियन लीग के बारे में है ना, कि ये मेगा प्राइस जो कि अमेजन है ना वाउचर आपके पास मिला हुआ, और भी बेहतरीन बेहतरीन प्राइज आपको यहाँ पर दिखे हुए हैं, और इन सबको ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको है ना, श्याम भाटिया फिजिक्स इनवाइट कोड आपको ज्वाइन कर लेना है एंड देन यू कैन डू दैट थिंग है ना। तो आप वो इजीली ज्वाइन कर सकते हैं, ब्रेन काम करे नहीं करे किस्मत जरूर काम करेगी है ना। और आपके पास चेम्स फॉर जेई मेन के लिए एक इन्फॉर्मेशन है ना, एडवांस 202 के लिए है ना रैंकर ओरिएंटेड बैच है जो कि 29th ऑफ द डिसंबर से स्टार्ट हो रही है, 29th ऑफ द डिसंबर से स्टार्ट हो रही है, ये स्टार्टिंग बैच है। दूसरी बैच एज बैच है जो 20 से स्टार्ट हो रही है ना, और इसकी स्टार्टिंग जो है ये भी 29th ऑफ द डिसंबर से ही है। इसके लिए भी आपको कोड कौन सा यूज़ करना है, सेम कोड श्याम भाटिया यूज़ करना है ना देखो। और यहाँ पर आपकी रेस जो है जेई है ना 22 के लिए टॉप रैंक्स की अगर बात की जाए है ना, तो सिक्योर द टॉप रैंक्स ऑन द अनअकैडमी चैंप्स और फ्री टेस्ट एंड गेट है ना। क्या क्या है, एक्सक्लूसिव ग्रुप स्टडी है उसमें है ना, बिकम द पार्ट ऑफ द डेडिकेटेड लीडरशिप है, और साथ साथ में आपके पास मिल जाएगा है ना स्टैंड ए चांस विद देव, और इसके लिए इनरोल करना है आपको, तो श्याम भाटिया फिजिक्स कोड डाल के आप इसको भी इनरोल कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन जो थी जो आपके काम की हो सकती है। चलिए अपने न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा क्लीन करके मैं एक एक चीज़ें वापस प्रॉपर तरीके से आपको आंसर की तरफ ले जाता हूँ है ना। तो ये वाला जो है एक्चुअल में तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का है ना, ये एक्चुअल में तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का है, लेकिन ये पी वाई क्यू है ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पढ़िए पहले, तो है ना क्वेश्चन को मैं पढ़ के बताता हूँ है ना, क्वेश्चन कुछ ऐसा बोल रहा है। तो अब यहाँ पर ये वाला सेल कैसे हैं, ये वाला सेल E1 है, ये वाला सेल E2 है, तो E1 है ना, E1 एंड E2 है ना, सेल क्या है, सेल्स आर इन सीरीज, पहली बात तो ये सीरीज में है, सो ई नेट कितना हो जाएगा, ई नेट बोलो, ई नेट सीरीज में तो E1 प्लस E2 हो जाएगा है ना, जोड़ो कितना, ये 10 और ये भी 10, तो 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 20 वोल्ट हो जाएगा है ना, ई नेट लिख दिया मैंने, ये जेई का क्वेश्चन है ना। तो नो डाउट थोड़ा सा है ना लेंदी रहेगा, तो आपको स्किप नहीं करना है, एक एक बारीकियां मैं समझाने जा रहा हूँ इसमें है ना। और ये इनके इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, ये क्या है, इनके इंटरनल रेजिस्टेंस है, और जब इंटरनल रेजिस्टेंस है तो ये भी समअप हो जाएंगे सीधे है ना, ये समअप क्यों होंगे, क्योंकि ये भी सीरीज में है, तो R1 प्लस R2 टोटल कितना हो जाएगा है ना 20 प्लस 5, तो ये कितना आ जाएगा 25 ओम, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 25 ओम आ गया आपके पास है ना। तो ये EN आया और ये आ गया। अब देखो पूरा सर्किट करंट को धक्का देने वाला कौन कौन है, वोल्टेज है, अब ये भी 10 वोल्ट, ये भी 10 वोल्ट, ये टोटल ड्रा कर रहा है करंट। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ इसको कि यहाँ से अगर इस सर्किट को देखें तो ये वाला सर्किट लेट से कैसा हो गया होगा, ये दोनों कैसे हो गए होंगे
है ना, ये दोनों कैसे हो गए होंगे, पैरेलल में हो गए होंगे, बिल्कुल सही है सर, है ना, ये दोनों पैरेलल में हो गए होंगे, तो इनका इनका रिजल्टेंट लेट से आर डैश कितना हो जाएगा, 30 × r / 30 + r हो गया होगा, और ये r1 + r2 ये कैसे हैं, ये भी इसके साथ सीरीज में आ गए होंगे, है ना, और इनको धक्का देने वाला करंट कितना, टोटल करंट I रिलीज हो रही वो निकाल लेते हैं पहले तो अपन, है ना, टोटल आई कितनी रिलीज हो रही है वो निकाल ली जाए। तो अब वो आई कैसे निकालेंगे, आपको आपके पास सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस एनी बैटरी ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना, अक्रॉस एन द बैटरी इज द 20 ओम इज जीरो, यानी इस बैटरी की बात कर रहा है वो, है ना, किस बैटरी की बात कर रहा है वो, इस बैटरी की बात कर रहा है, बोलो इस बैटरी की बात कर रहा है वो, इस बैटरी के अक्रॉस कितना है, वोल्टेज जीरो है, मतलब यहां से यहां तक चलने में जो आ रहा है वो 0 वोल्ट है। तो इसके लिए भी इक्वेशन लिखो, यहां से मान लो कि आपने करंट कितनी एज्यूम करी, आई की एज्यूम करी, तो 20 I, है ना, बैटरी का ये वाला 20 I IR, मतलब सिंपल R है ये 20 ओम, इक्वल टू ये कितना हो गया, बोलो यहां पर माइनस से प्लस की तरफ जा रहे, तो कितना होगा, गेन होगा, और यहां पे आ गए, और इनका डिफरेंस कितना है, जीरो है, तो यहां से 20 I कितना हो जाएगा, है ना, 20 I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10, ये 20 I उठ के इधर आ गया, तो I की वैल्यू कितनी हो गई, बोलो जल्दी से, 10/25 यानी 1/2 एम्पियर। तो I की वैल्यू नो डाउट आपके पास कितनी आ रही है, 1/2 एम्पियर आ रही है, इसको डब्बे में बंद कर दो, क्योंकि रख दो काम की चीज़। तो ये I जो आ रही है यहाँ से रिलीज हो गई, है ना, I यहाँ से रिलीज हो गई, तो टोटल V इक्वल टू IR अपने पास से निकल जाएगा, है ना, V इक्वल टू IR से सारा काम ही निकल जाएगा। V कितना है, E इक्विलेंट कितना आया, 20, तो ये 20 रख दो, ठीक है। I अभी हाल कितनी निकाली, 0.5 निकाले, तो ये 1/2 रख दो, और R है ना रिजल्टेंट, या आर इक्विलेंट की बात कर रहा हूँ, अब आर इक्विलेंट आपको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कौन कौन सा है, एक तो आर डैश है, और ये जो ये रहा है 25, यस, है ना, ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप थी जो मुझे करवानी थी आपको, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई होकर ये 40 हो गया, है ना, 20 ये कितना हो गया, 20 × 40, और ये आर डैश की वैल्यू कितनी आ रही, बोलो, ये 30 R / 30 + R, और ये कितना हो गया, 25, तो इसको उठाकर इस साइड लाओ, तो ये कितना हो जाएगा, 40 - 25 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 R / 30 + R हो गया, 40 में से 25 जाएंगे तो कितने बचेंगे, बोलो जल्दी, 15 हो जाएंगे, यस सर, 15 हो जाएंगे, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 30 R मस्ट बी इक्वल टू 15 × 30 + R हो जाएगा, 15 × 30, तो ये कितना हो गया, 2 R मस्ट बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 + R हो जाएगा, है ना, ये वाला 30 + R हो जाएगा, तो ये R उठ के इधर आएगा, तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 ओम हो जाएगी, 30 ओम हो जाएगी, है ना, 30 ओम कौन सा ऑप्शन है इसमें, थर्ड वाला ऑप्शन है ना, और यही यही ऑप्शन वाली वैल्यू वहाँ फिल करनी थी, कितनी फिल करनी थी आपको, 30 ओम, है ना, टू डिजिट, है ना, टू डेसिमल के टू डिजिट तक फिल करने के 3-4 क्वेश्चन जो आते हैं ना लास्ट में, अपने जेई मेंस की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें ये वैल्यूज फिल करनी थी, तो ये जेई वाला क्वेश्चन था जो आपके साथ मैंने शेयर किया बहुत, है ना, अच्छे तरीके से, तो स्किप ना करते हुए पूरा इसको देखा, फिर भी अगर आपका कोई डाउट बन रहा हो, है ना, रह गया हो, तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ इसका आंसर दूंगा, ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंसेप्ट।